कोरोना संक्रमण के गहराते संकट के कारण गुरुवार को स्कूलों में ही 15 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 टीमें फील्ड में उतारी गईं। आपको बता दें कि सोमवार से 15 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र छात्राओं का टीकाकरण शुरू हो गया है। बुधवार से यह व्यवस्था स्कूलों में भी लागू कर दी गई है। इस बीच विद्यार्थी स्कूल व आसपास के टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन की पहली डोज लेने पहुंचे। बता दें कि इसी क्रम में नगर पंचायत जियनपुर स्थित सेंट जेवियर्स विद्यालय में गुरुवार को सुबह 10 बजे से टीकाकरण शुरू हो गया। सुबह से मौसम खराब होने के कारण छात्र व स्वास्थ्य विभाग की टीम को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि इससे स्कूल के छात्र छात्राओं में उत्साह पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। 12वीं कक्षा की छात्रा आसरा खान ने बताया, हमारे स्कूल में मतलब हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो भी बच्चे हैं 15 ईयर्स 18 ईयर्स के, उनको वैक्सीनेशन करना चाहिए क्योंकि वायरस इतना बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से हमारे स्कूल ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और ये बहुत अच्छा है सर कि वैक्सीनेशन हमको स्कूल में ही लगाई जा रही है। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन है अच्छे के लिए है ये हमारे और हमारे स्कूल में लगाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत मतलब प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सबको बहुत अच्छे से वैक्सीन बहुत अच्छी चीज़ है, लगवा लें तो कोई नुकसान नहीं है। वहीं इस संबंध में मीडिया से वार्ता करते हुए डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अजमतगढ़ ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्कूलों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। ये स्कूलों की जो हमने वैक्सीनेशन सत्र चयनित किया है, ये भारत सरकार की मंशा के अनुरूप जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन से छूटे हुए थे उनको प्राथमिकता के तौर पर हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि जो आगामी जो तीसरी लहर है इनसे मतलब कि मैक्सिमम हम बचाव कर सकें, इस वजह से हमने यहाँ पे कैंप किया है। सर, हम लोगों के मीडिया के माध्यम से सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मीडिया के माध्यम से हमारा ये संदेश रहेगा कि जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है, प्रथम डोज या द्वितीय डोज जिनका भी बाकी है, वो लोग अतिशीघ्र अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके, जो गाँव में कैंप लग रहे हैं वहाँ पर जा करके वैक्सीनेशन कराएँ और अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रखें। सर, स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर स्कूल? इस वैक्सीनेशन कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खुद भी वैक्सीन लगवाएं और अपने साथियों को प्रेरित करें वैक्सीन लगवाने के लिए। सर, इस स्कूल में अभी कितने लोगों को सर वैक्सीन लगाया? सर प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई है, 100 के आसपास आज अभी संख्या है, हमें उम्मीद है ये संख्या अभी और बढ़ेगी। की वैक्सीनेशन कराई गई है सर? हमारे स्कूल में आज कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, कोविड-19 के बचाव के उद्देश्य में आज वैक्सीनेशन कराया गया, जिसमें डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा जी तथा उनकी टीम ने भाग लिया और 15 से 18 वर्ष के बीच जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन किया गया। सर, और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर और स्कूल वालों को? सर, हम सारे बच्चों को, सभी स्कूल प्रबंधक को, सभी स्कूल प्रधानाध्यापकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो इस भारत सरकार के का जो मिशन है कोविड-19 को दूर भगाने का, उस मिशन के साक्षी बने, उस मिशन के गवाह बने और अधिक से अधिक संख्या में चाहे वो अपने स्कूल पे व्यवस्था करें या जो प्राथमिक स्वास्थ्य नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके टीकाकरण अभियान का को कराएं। और सर, कितने लोगों का सर वैक्सीनेशन किया गया? सर, हमारे यहाँ लगभग 100 बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया और मुझे लगता है कि अब बहुत कम ही बच्चे होंगे, चूँकि ठंडी का समय चल रहा है इसलिए सारे बच्चे स्कूल पे आ नहीं पाए जो 15 से 18 वर्ष के बीच हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चे ही बचे हों, हम लोग इस तैयार करेंगे और हो सकता है कि कल डॉक्टर साहब की फिर एक टीम आए और बचे हुए बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो जाए। ठीक सर। इस दौरान मुख्य रूप से सुबोध सिंह, नेहा पांडे, असरा खान, भूपेंद्र नाथ, राजकुमारी मौर्य, रानी यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। ए इज़ न्यूज़ के लिए आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, आजमगढ़।